अस्सलामुअलैकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रेंट। घूम लिया पूरा मुमरा, देख लिया, अच्छा लगा, आ जाओ अपने घर पे आ जाओ। आपको घर के बाहर मिलेगा आपका स्विमिंग पूल, जिम, गार्डन और बहुत सारी एमिनिटीज। द बेस्ट पार्ट इस प्रोजेक्ट की है कि इसी साल पोजीशन है, ऑन रोड है। यहाँ पर 1 BHK मार्केट का शॉर्टेज चल रहा है और हमारे पास मैक्सिमम 1 BHK अवेलेबल है। ओनली फॉर 35 लाख रुपीज बैंक लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें, कॉल बिजी आए तो व्हाट्सएप करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बेंगलुरु पुलिस ने एक मर्डर केस में पॉपुलर कन्नड़ एक्टर दर्शन थोगुदीप, एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा को हिरासत में लिया है। इस मामले में दर्शन समेत 13 लोगों को पुलिस कस्टडी में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार शहर के चीता दुर्गा इलाके में रेणुका स्वामी नामक एक युवक की हत्या में एक्टर दर्शन का नाम सामने आने की वजह से उन्हें हिरासत में लिया गया है। रेणुका स्वामी का शव रविवार को कामाची पाल्या के पास एक नाले में मिला था। ये घटना तब सामने आई जब आते जाते हुए लोगों ने गली के कुत्तों को नाले से एक शव को घसीटते हुए देखा था। इसके बाद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने मंगलवार को जानकारी दी कि एक हत्या के सिलसिले में एक कन्नड़ एक्टर को कस्टडी में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी जिस पर चोटों के निशान थे। इस आधार पर हत्या का केस दर्ज किया गया था और CCTV फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर मृतक की पहचान रेणुका स्वामी के रूप में हुई थी। कन्नड़ एक्टर और उसके साथियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फार्मेसी कंपनी में काम करने वाले रेणुका स्वामी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कथित तौर पर एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक पोस्ट किए थे जो दर्शन की दोस्त थे। पुलिस ने एक्ट्रेस को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।